जय श्री राम। ग्राम पंचायत इटावा तहसील तरना जिला उज्जैन मध्य प्रदेश का गांव इटावा है जो हमारे अंबाराम जी प्रजापत उनके जीवन की कोई पीड़ा है जो हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को पहुंचाना चाहते हैं। अंबाराम जी आपकी क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है कि ग्राम पंचायत इटावा के अंदर विधवा पेंशन जो मिल रही है जी, तो हम जो चाहते हैं कि जब जितनी विधवा है गाँव में इतने ही रंडवे भी है गाँव में। अच्छा, तो हमारी भी संख्या 30 है। हाँ, इसलिए हम यूँ चाहते हैं कि हमको भी वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। तो आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 66 वर्ष की है। 66 वर्ष की, तो आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही? वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रही ना, और तक नहीं मिली। और कौन सी पेंशन लेना चाहते हो? बस ये एक रंडवा पेंशन। रंडवा पेंशन? हाँ। तो इससे क्या फायदा मिलेगा आपको? साहब, हमें कोई रोटी पानी देने वाला नहीं है, कोई छोरे बाहर काम करते हैं। अच्छा, हमारी समस्या को सरकार को बता रहे हैं। जी 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 जी, हमारे को सहयोग मिले इससे। जी 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 जी, तो क्या ना पेंशन मिल रही हमें। अच्छा 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 अच्छा, तो आप ये कौन सी सरकार से मांग कर रहे हो? हम ये कमलनाथ जी से कह रहे हैं, नई सरकार बनी, नई सरकार का हिसाब से बनाएंगे वो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको रंडवा पेंशन चालू हो? ठीक है साहब, आपकी समस्या ऊपर पहुंचा दी जाएगी। श्री कमलनाथ जी से निवेदन है कि अंबाराम जी प्रजापत की पीड़ा को समझते हुए ऐसे मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में रंडवों की संख्या है, तो कृपया इनको भी पेंशन देने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। हाँ।